प्रेमविवाह केला म्हणून बहिणीच्याच पतीची हत्या करणाऱ्यांना बीड पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. बीडमध्ये घडलेल्या या घटनेचा 5 दिवसानंतर पोलिसांनी तपास लावलाय. अमरावतीहून बालाजी लांडगे आणि संकेत वाघ या आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. बीड शहरातील गांधीनगर भागात बुधवारी सायंकाळी 5:30 वाजण्याच्या सुमारास सुमित वाघमारे या इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेणाऱ्या युवकावर त्याचाच सख्खा मेवणा अर्थात बायकोच्या भावाने मित्राच्या मदतीने चाकू हल्ला करत त्याचा खून केला. बीडमध्ये घडलेल्या या सैराटमुळे राज्य हादरून गेले होते. गेल्या 6 दिवसांपासून पोलीस आरोपीच्या शोधासाठी फिरत होते. आरोपीचे मोबाईल लोकेशन, नातेवाईक, मित्र यांची कसून चौकशी करण्यात येत होती. आरोपी हा विदर्भ भागात असल्याची खबर मिळाल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेने बालाजी लांडगे, संकेत वाघ यांच्या मुसक्या आवळल्या तर गजानन क्षीरसागर याला बीड मधून अटक केली आहे. कृष्णा के बारे में निष्पन्न हुआ है करके उनको अरेस्ट किया और कैसे हुआ और थोड़ा तपास कब आगे कारण आगे भी सीन्स अभी हमको और देखना है और कोई इन्वॉल्व है क्या फिर फिलहाल वो कैसे हुआ हम बोल नहीं सकते उसके बारे में. सर अभी तक कितने आरोपी हुए दर्ज इसमें कितने आरोपी? दो दो मुख्य आरोपी है जिनके नाम ऑलरेडी एफआईआर में है. उसके अलावा कृष्णा सिरसागर का तीसरा आरोपी है. फिलहाल 3 आरोपी मतलब क्लियर कट निष्पन्न हुआ है. एक तो ऑलरेडी अरेस्ट किया, 2 है अभी दावे में. इसके अलावा और कौन कौन थे आगे के तपास में उनको पता लगेगा. चौकशी चौकशी साठी बोला ना मागील 4-5 19 तारीख से घटना आज हम 25 में बैठे हैं. 4-5 दिवस मध्ये सर्वांना लागला त्यांचे नातेवाईक मित्रमंडळी सबको फिर उनका भी चौकशी चालू था लेकिन पर्टिकुलरली उसी में से हमको कृष्णा मिला था मतलब कारण कृष्णा का नाम एफआईआर में नहीं था. फिर वो चौकशी दरमियान हमको पता लगा इसका रोल करके एंड आगे भी हम चौकशी करेंगे और कोई है क्या करके इसमें. कितनी जनांची चौकशी झाली आता? 27 लोगों से. कितने आरोपी थे इसमें? कब हत्या की गई थी और कितने दिनों बाद आरोपी को गिरफ्त किया गया है? 19-12-18 के दिन में शाम को आता है 5:15 बजे पेटमीट पुलिस स्टेशन आदि में आदित्य इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कॉलेज के गेट के बाहर सुमित बाघ मारे करके व्यक्ति था उनके खिलाफ उनको 2 लोग ने मतलब बालाजी लांडगे और संकेत बाघ ने मिलकर मारा है. ऐसे उनका बहन का मतलब सुमित बाघ मारे का मिसेस का तकरार था. फिर उस आधार पे हमने 302 का गुना दाखिल किया और आरोपी का शोध लगाया और कल कलम 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कलम हमने बढ़ाया है. कलमानुसार एक कृष्णा रविंद्र सिरसागर करके आरोपी था. सिंस हमको अभी 4-5 दिन तपास में निष्पन्न हुआ वो सिंस कॉन्स्पिरेसी में था करके उनको भी अरेस्ट किया था. और कल इवनिंग को हमको गोपनीय माहिती मिला मेन मुख्य आरोपी है दो बालाजी लांगे एंड संकेत बाग दोनों अमरावती एरिया में है करके एंड हमारा ये भी केस था सिंस उनके पास गाड़ी नहीं था फिर वो रेलवे में प्रवास कर रहे थे. फिर हमने पूरे महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट पुलिस सिटी पुलिस और रेलवे पुलिस सबको अलर्ट किया एंड विशेष करके नागपुर रेलवे का SP अमोक गावकर उनको हमने इंटीमेशन दिया ऐसे ऐसे ये अमरावती एरिया में और विशेष करके रेलवे में हो सकता है. फिर उन्होंने उनका बडनेरा रेलवे स्टेशन का इंचार्ज है API वानखेड़े उनको बोला ऐसे ऐसे वो एरिया में करके उन्होंने वो उनका आरोपी का फोटोज फॉरवर्ड किया उस आधार पे उनको कल रात को डिटेन किया. फिर हमको इंटीमेशन मिला फिर यहाँ से हम तुरंत एक पतक को रवाना किया और रवाना करने के फिर आज अंदाजे 10:30-11 बजे के आसपास इधर बीड़ में पहुँचे वो. अभी आगे का तपास चालू है उनका कोर्ट में प्रोड्यूस करना आगे का तपास चालू है.